सबसे बढ़िया तो काला पत्थर ही था। मैंने जिंदगी में आज तक ना बर्फ नहीं देखी थी, मैंने आज बर्फ देख ली जब उम्मीद से नहीं आए थे। तो हमें तो बहुत मजा आ गया, मेरी ट्रिप सक्सेसफुल रही। और मैं सबको बोलूंगा ऐसा रहो, काला पत्थर बर्फ देखनी है तो कभी भी आ जाओ, क्यों सही है, सही बात, पक्का है आपका, है ना। दम है आपका बात अब में। बाकी ज्यादा वीडियोस में देखना हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू। फिर से वेलकम है दोस्तों आप लोग का मेरा चैनल पे, और आप लोग के लिए एक खुश बात है। और हैवी स्नोफॉल हुआ है लाचेन नॉर्थ सिक्किम और थंगू वैली से ऊपर, और काला पत्थर में तो बहुत ही है। और आज 2 तारीख मई महीना 2022, अभी मैं थंगू वैली चेक पोस्ट पे हूँ। थोड़ा इधर काला पत्थर जाने का आज प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि अलग ही सीन होगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, देखते रहना पूरा। ये एक चेक पोस्ट का जो एंट्री करने का पॉइंट है नॉर्थ सिक्किम का, पूरा गाड़ी आ रहा है, बहुत 400-500 से भी ज़्यादा है गाड़ी। इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है आगे, और मैं जा रहा हूँ, आप लोग को उधर ही लेके जा रहा हूँ, देखते रहना। और ये है वर्ल्ड का एक हाई डोसा पॉइंट, जब आप लोग इधर आएगा तो इधर आप लोग डोसा वगैरह कुछ चाहिए खा सकते हैं। मतलब ये एक मिलिट्री का है, आप लोग का जो सेवाएं के लिए एक बना हुआ है, जा रहा है सभी कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। बर्फ़ अभी सब नए नए बर्फ़ हुआ है दोस्तों। अभी मैं फाइनली काला पत्थर पे हूँ, जो कि 14,000 हाइट फुट ऊंचाई पे है, ये नॉर्थ सिक्किम लाचेन का। और ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये काला पत्थर का खासियत, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने सोचा भी नहीं था इस टाइम पे स्नोफॉल ऐसा ताज़ा बर्फ़ मिलेगा बोल के, और इस टाइम पता नहीं मौसम क्या हो रहा है और बर्फ़ भी गिरते रहता है, नहीं तो इस टाइम बर्फ़ गिरने का टाइम ही नहीं है। ये पीछे है जो काला पत्थर, इसी को बोलता है, यही लास्ट है हमारा देखने का पॉइंट, और यहाँ से आगे जाना नहीं देता है। और जब आप लोग यहाँ आएगा तो ये एक अलग सा जगह है, आप लोग का नीचे गैंगटॉक से परमिट नहीं मिलते हैं इस जगह के लिए, इसीलिए अलग सा परमिट लेना पड़ता है, जो कि थंगू चेकपोस्ट से आपको 3,000 से लेकर 3,500 तक पर गाड़ी पड़ेगा। इतना फ्रेश बर्फ है, ये बर्फ आप लोग खा भी सकते हैं। और बताए बहुत सा गाड़ियाँ आया है इधर काला पत्थर देखने के लिए, मिनिमम 200 से 300 गाड़ी। और ये है जो नीचे का रास्ता, अभी नीचे से पूरा कोरा, मतलब मेघ आ रहा है ऊपर की तरह, और बहुत सा अच्छा लग रहा है ये प्यारे नज़ारा। सिक्किम में सबसे अच्छा बर्फ़ मिलने का जगह यही है काला पत्थर, पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। ভালো লাগছে হ্যাঁ, কিছু শ্বাসকষ্ট আছে না? না না, কিছু শ্বাসকষ্ট হয়নি, ভালো লাগছে, বেশ দারুণ লাগছে, এরকম স্নোফল দেখা যায় না। বাড়ি কোথায়? বাড়ি কলকাতা। শালদা, হাওড়া। হাওড়া, আমার চন্দননগর। কেমন আছে? ভালো আছি। দারুণ লাগছে এইদিকে কালা পাথর, ওয়ান্ডারফুল প্লেস। দিদি খুব ভালো লেগেছে কালা পাথর,
বাড়ি কোথায় আপনার? কলকাতা সাইড। পুরা হাওড়া ওয়ালে জাদা আতে সিকিম পে 90% কলকাতা ওয়ালে। আগে কি তরফ লে যা রাউ যে কি দেখ সকতে পুরি কা পুরি থোড়া মজাই অলগ হোগা ইধার আকি আপ লোক বরফ মে থোড়া এনজয় লেনে কা। और ये पास में जो दिखाई दे रहा है ये सभी एक छोटा मोटा दुकान है। आप लोग को इधर जूते से लेके दारू वो ये सबसे सिक्किम पे फेमस तो दारू ही है, दारू वगैरह और मोमो ऐसे छोटा मोटा ब्रेकफास्ट का अभी ये शॉप है। और जब आप लोग बर्फ खेलने के लिए गम्बूट वगैरह ग्लोव्स कुर्त जैकेट मिल जाता है इधर। पूरा एक अलग सी मज़ा ले रहा है सभी, इंजॉय का तो बात ही छोड़िए। जब आप लोग उतना दूर से इधर आएगा थोड़ा आप लोग का फील ही अलग होगा इधर। सो हाय गाइस, वी आर एट at this point and we are going towards the Guru Udonga Lake and we stayed here and as you can see the view here, it's just amazing. Can you please show the views? What is the view? Especially बादलों के साथ clear होता तो शायद और better होता। हाँ ना जी, लंदन कहाँ, अमेरिका से। न्यू लंदन, अमेरिका से आए ना आप लोग? तू बना रहा वीडियो, क्या कर रहा है? वीडियो के ऊपर वो बन रहा है ना, वीडियो के ऊपर। ऑसम व्यू भी है, बताइए अपने ऊपर आने वाले हैं। समबडी इज कमिंग सिक्किम, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर। या माय नेम इज गुरमीत and I'm from from Rajasthan, from Rajasthan. But going to Canada soon. Yeah, going to Canada soon. Hi, this is right the side, great view, must come. But yeah yaar, acha hai yaar, badhiya hai na, yehi kehna chahun kate zarur aaiye khudaar jaisa. Okay, thank you, thank you so much. Nahi aur bhi aur photo bahut enjoy le rahe hai sabhi, thoda alag hi type ka maza hai सिक्किम आके जो ये काला पत्थर घूमने का। आप लोग कभी दिल है तो आ सकते हैं ये जगह, क्योंकि गुरुदुम्बा से तो बेस्ट यही जगह है। क्योंकि अपना अपना जगह का, हर जगह का हर ब्यूटी होता है, इसीलिए। सो वी आर एट विल्सन, सो वेलकम गाइस टू विल्सन नेपाल चैनल। सो वी आर एट फाइनली एट काला पत्थर एंड बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है ये। आप भी आइए विल्सन नेपाल के साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ पीछे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी गुड। दरवाजा बंद कर लो। आओ, दीदी तो बीमार नहीं पड़ा? नहीं, उनकी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। नहीं, दीदी लोग ऐसे बीमार पड़ता है। मैं अभी गुरुदुम्बर पे हूँ जो कि काला पत्थर पे बहुत स्नोफॉल और काला पत्थर पे बहुत बर्फ मिला था, लेकिन गुरुदुम्बर पे कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, पूरा सूखे पड़ा है इधर। फिर भी अच्छा है जगह, थोड़ा टेम्परेचर अभी मेरा ख्याल में माइनस ही हो सकता है क्योंकि इतना ठंडी हो रहा है। और ये है ग्लेशियर, यहाँ से टिस्टा रिवर शुरू होता है। क्योंकि आप लोग जब बर्फ देखने के लिए तो काला पत्थर ही बेस्ट रहेगा, वो थोड़ा ठंडे इलाका है धीरे, इसीलिए उधर बर्फ रहता है। इधर नहीं है, कुछ नहीं है, देख सकता है सूखे है, बर्फ का एक बूंद भी नहीं है। मेरा 204 नंबर पे था इंजरी, मेरा ख्याल में समथिंग 400 से लेके 500 गाड़ी इधर लेक तक
आया है आज एक दिन में। हाँ, ये आप लोग का जो गुरुदुम्बर पे आ रहा है तो ये एक बाथरूम है। आप लोग जहीं कहीं इधर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये है क्योंकि पानी तो नहीं है इधर, सभी आइस बन चुका है, इसीलिए आप लोग इधर बाथरूम कर सकता है। लेकिन टॉयलेट का जो हालत बहुत बुरा है, पूरा गंदा है क्योंकि इधर एक में तो पानी नहीं मिलता है, इसीलिए गंदा तो होते रहता है। फिर भी क्या करूं, गवर्नमेंट का नज़ारा टूरिज्म का ऊपर उतना नहीं है सिक्किम पे, इसीलिए सभी टॉयलेट तो बना दिया है, फिर उसका थोड़ा सुरक्षा नहीं है। बहुत सारे बाइक भी आ रहा है इधर। आप लोग बाइक भी लेके आ सकते हैं खुद का, और गैंगटॉक में भी रेंट पे पाया जाता है, वहाँ से भी आप लोग ले आ सकते हैं। लेकिन इस जगह पे जो फॉरेनर्स को आने के लिए मना है गुरुदुम्बर लेक की तरह, सिर्फ आप लोग काला पत्थर जा सकते हैं और छोटा वैली तक देता है फॉरेनर्स को, इधर सिर्फ इंडियन वाले को आना देता है, बाकी को आना नहीं देता है। और इधर एक जंगली कुत्ते भी है गुरुदुम्बर पे, थोड़ा बीमारी जैसे लग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब ये जंगली जैसे है, जो कि इधर जो भी टूरिस्ट लोग बिस्किट वगैरह कुछ देता है वही खा लेता है, इसलिए आप लोग भी उसको थोड़ा हेल्प कीजिए आ रहा है तो। अजय, सो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होगा, और आप लोग को कैसे लगा और मेरा वीडियो कैसे लगता है आप लोग हमसे बनी रहे, और आप लोग का कैसे टाइप का जो वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट पे लिख सकता है, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक छोटा सा हेल्प की वजह से मेरा को भी एक आप लोग के लिए एक अपडेट देने के लिए मन करता है, इसीलिए आप लोग हमसे टूर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेरा नंबर दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।